इस वक्त की बड़ी खबर पटना एयरपोर्ट से निकलकर सामने आ रही है, जहां एयरपोर्ट पे बम होने की जो सूचना है वो आई है। बम होने की सूचना के बाद एयरपोर्ट पे अफरा तफरी मची हुई है। एयरपोर्ट पर बम की सूचना 10:47 पर फोन कॉल से दिया गया और उसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जो बम निरोधक दस्ते की टीम है वो पहुंची हुई है और चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रही है। दरअसल एयरपोर्ट से एक गुमनाम कॉल आया जिसमें बताया गया कि एयरपोर्ट पे एक लावारिस जगह जो एक सामान मिला है और उस पर उसमें बम होने की बात कही गई है। हालांकि अब तक बम मिलने की सूचना नहीं है लेकिन तलाश जारी है। एयरपोर्ट पर इसके पहले भी कई दफे इस तरीके की सूचना आती रहती है लेकिन एहतियातन CISF और जो स्थानीय पुलिस बल के जवान होते हैं, जो टीम होती है, वो इसकी जो वेरीफाई कर लेती है पूरे कॉल को, उसके बाद यह नतीजा सामने आता है कि यह फॉल्स कॉल था या सही में इस तरीके की खबरें आई थी। हालांकि अब तक जो खबरें निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार यही है कि पटना एयरपोर्ट पर जो बम मिलने की सूचना अब तक जो आई है उसमें जो जांच टीम है उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। जो कॉल था उसकी अब जांच की जा रही है कि क्या सच में पटना एयरपोर्ट पे बम है या फिर कोई अन्य वस्तु। लेकिन सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड के साथ साथ बम निरोधक दस्ते की जो टीम है वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। पटना एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर जो जांच है वो किया जा रहा है, स्क्रीनिंग है वो किया जा रहा है। पहले भी एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर तमाम जो तैयारी है वो किए जाते रहे हैं। हाल के दिनों में एयरपोर्ट पर जो मरम्मती का कार्य है, नवनिर्माण का काम है, वो चल रहा है। ऐसे में बहुत से चीज़ें छूट जाती हैं। हालांकि कॉल जिस तरीके से आया उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो कान हैं वो खड़े हो गए हैं। एयरपोर्ट की सुरक्षा में जो जांच एजेंसियां हैं, जो एयरपोर्ट पे जो सुरक्षा बल तैनात होते हैं, वो सभी अपने अपने पोजीशन पर तैनात हो गए हैं और सभी मिलकर यात्रियों के आने जाने वाले सामान, जो सामान एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए हैं, जो लगेज पड़े हुए हैं, उन चीज़ों की बारीकी से जाँच की जा रही है। और ये भी जाँच की जा रही है कि कॉल किस जगह से आई थी, कॉल करने वाला शख्स कौन था, कहीं ये मजाक तो नहीं है या कोई फर्स्ट कॉल तो नहीं है। फिलहाल पुलिस इस मामले को कॉल आने के जो बम की सूचना मिलने के साथ ही जो पुलिस की टीम है और बम स्क्वाड की टीम एहतियातन जांच शुरू कर दी है। और इस मामले में क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आता है, एक तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि जो बम निरोधक की जो टीम है और जिला प्रशासन की तरफ से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था पटना एयरपोर्ट पे कि अगर बम मिलता है तो ऐसे स्थिति में किस तरीके से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। हालांकि ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये बम मिलने की खबर अफवाह थी या मॉक ड्रिल, ये जांच का विषय है। फिलहाल इन तमाम चीज़ों की जांच चल रही है लेकिन एयरपोर्ट पर फिलहाल जो तस्वीरें निकल के सामने आई वो ये कि अफरा तफरी मचा हुआ है और अब जो स्थानीय पुलिस की टीम है वो तमाम जांच के बाद स्पष्ट करेगी कि ये एक मॉक ड्रिल था या एक फेक कॉल था, इसकी जांच चल रही है। फिलहाल वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पटना एयरपोर्ट पर अचानक बम की सूचना मिलती है और पूरा एयरपोर्ट अलर्ट हो जाता है और एयरपोर्ट पर जो बम निरोधक दस्ते की टीम है वो पहुंच जाती है और चप्पे चप्पे की जांच शुरू कर देती है। फिलहाल जो कॉल आया उसकी जांच चल रही है और जो अब तक जांच के बाद जो बम को लेकर जो सर्चिंग है वो किया जा रहा है, उसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा जब वरीय पदाधिकारी या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से यह बताया जाएगा कि क्या यह मॉक ड्रिल था या सच में कोई कॉल आया था या किसी ने शरारत की थी। ये तमाम चीज़ें जाँच का है।